आज रेत की सफाई करते हुए मुझे एक बॉक्स मिला जो कि बहुत ही कलरफुल दिख रहा था। पता नहीं इसके अंदर क्या है। और जैसे ही मैंने डब्बे को खोला तो उसके अंदर से मुझे पाइप वाले बलून और कलर कैप्सूल दिखे, और कलर कैप्सूल को पानी में डालते ही उसका कलर चेंज हो गया। अब बारी थी इस पाइप बलून को फुलाने की, जिसे कि इस पंप की मदद से फुलाया जाता है। और ये बलून कुछ इस तरीके से फुलता है, जिसे आप किसी भी शेप में मोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से। तो आप देख सकते हो मैंने बलून की मदद से एक डॉग बनाया है। अब इस बलून में इस पंप की मदद से पानी भर के देखते हैं। तो यह है एक एयर प्रेशर पंप जो कि इस बलून को बड़ी आसानी से फुला देगा। तो आप देख सकते हो किस तरीके से यह बलून में पानी भर रहा है। तो ये बलून रेडी हो चुका है, अब इसे फ्रीजर में जमाते हैं। बट ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, मैंने दूसरा बलून रेडी कर दिया, अब इसे फ्रीजर में जमाते हैं पूरे 24 घंटे के लिए। तो 24 घंटे पूरे हो चुके, अब इस बलून को निकाल करके देखते हैं। तो ये बलून जमने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है, देख सकते हो आप, यू के शेप में जम चुका है।